जनक होगी हॉस्पिटल में, अनिरुद्ध देगा साथ, क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का इंस्टा फीड में स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट सीरियल झनक के बारे में। इस एपिसोड की आने वाली कहानी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में तकरार देखने को मिलेगी। वही बात करें इस एपिसोड के आगे की कहानी की, तो आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं सीरियल झनक की आने वाले एपिसोड की कहानी की अपडेट की आखिरकार क्या होने वाला है, जिसके चलते जो झनक है वो अनिरुद्ध पर गुस्सा कर रही है। पूरी अपडेट दोस्तों ये है कि सीरियल की आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि झनक होगी हॉस्पिटल में, वहीं पर अनिरुद्ध भी होगा और झनक जो है काफी ज्यादा सैड होगी, जिसके चलते अनिरुद्ध भी परेशान हो जाएगा और वो उससे कहते हुए नजर आने वाला है कि मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम परेशान हो तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन झनक जो है उसको वो पुरानी बातें याद आ रही हैं जब अनिरुद्ध ने उसकी इंसल्ट की थी, जिसके चलते वो उस पर गुस्सा करते हुए नजर आने वाली है। लेकिन अनिरुद्ध जो है बड़े प्यार से बोलता है कि नहीं झनक, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुम्हारी अभी गलत परिस्थितियां चल रही हैं, जिसके चलते मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन झनक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएगी गुस्से में कि तुम अभी के अभी तुरंत यहां से चले जाओ। लेकिन अनिरुद्ध ये कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं घर पर अभी फोन करके कह देता हूं कि मैं घर नहीं आऊंगा और मैं झनक के साथ हूं। दूसरी तरफ बात करें अर्शी की, तो अर्शी जो है वो जब जब देखती है अनिरुद्ध और झनक को साथ में तो उसका भी फूट जाता है गुस्सा और अंदर से काफी ज्यादा जेलस फील करती है। तो क्या होने वाला है उसका रिएक्शन जब अनिरुद्ध उसे इन्विटेशन कार्ड देगा अपनी और झनक की शादी का, क्या वो जाएगी उन दोनों की शादी में या फिर वो बीच में ही कुछ ऐसा कर देगी जिसके चलते अनिरुद्ध और झनक की शादी होते होते रह जाएगी। वैसे तो दोस्तों आप देखते ही होंगे झनक सीरियल में कि दोनों जो अर्शी है और झनक है एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखती है, और इसके पीछे का रीजन ये है कि अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है लेकिन अर्शी जो है ये चाहती है कि अनिरुद्ध मेरे साथ रहे। तो कहानी में आपको ये नया मोड देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही सीरियल की आगे की कहानी की बात करें तो व्रजभूषण जो है, जो कि झनक के पापा है, उन्होंने अनिरुद्ध से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें झनक को अकेले नहीं छोड़ना है, जिसके चलते अनिरुद्ध दे रहा है झनक का साथ। सीरियल की आगे की कहानी में नया मोड क्या होगा दोस्तों, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए इजिली बता सकते हैं। साथ ही शो के मेकर्स इस एपिसोड की आगे की कहानी में नए ट्विस्ट एंड नए अतीत से जुड़े राजू का खुलासा करने वाले हैं। तो दोस्तों सीरियल के आगे की तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल इंस्टा फीड। धन्यवाद।